आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का करिन्थियों के नाम पहला खत, उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत से 11वीं आयत तक। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का करिन्थियों के नाम पहला खत, उसका 12वां बाब उसकी 4थी आयत से। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का जहूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जबानों का तर्जमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। रूहुल कुद्स की नेमतों की तफसीर के सिलसिला में आज हमारा 6ठा लेसन है, और इस कोर्स में जो 20 लेसन्स का है, इसमें पहले जो 10 असबाक हैं उसमें हम रूहुल कुद्स की नेमतों के ताल्लुक से सीख रहे हैं, और फिर जो दूसरे 10 असबाक होंगे उसमें हम रूहुल कुद्स का फल के मतलब सीखेंगे। सो रूहुल कुद्स की नेमतें जो हैं इसमें 3 चीज़ें अहम हैं जिन्हें जहन में रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ यह है कि रूहुल कुद्स की नेमतें इंसान के पास ऐसी एबिलिटी, ऐसी काबिलियत, ऐसी अहलियत है जो इंसानी अक्ल, इदराक और उसकी बसात से बाहर है। ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि रूहुल कुद्स की जो नेमतें हैं ये इंसान ही में नजर आती हैं, लेकिन ये डिस्प्ले जो इंसान में से होता है, ये बात सीखना जरूरी है कि ये ना तो हमारी तालीम से हासिल हो सकती है, ना हमारी उम्र गुजारने से, ना ही हमारे तजुर्बे से, ना ही हमारी माल और दौलत से, ना ही हमारे स्टेटस से, बल्कि ये इंटायरली मुकम्मल तौर पर खुदावंद का फजल और रूहुल कुद्स की नेमत है। इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है कि वो उसे हासिल कर ले। हाँ, अगर इंसान का कुछ कंट्रीब्यूशन है तो वो यही है कि वो खुदा से मांगे तो खुदा उसे रूहुल कुद्स की नेमतें जरूर देगा। पहली बात ये जहन में रखने की जरूरत है। दूसरी बात जो जहन में रखने की जरूरत है कि खुदा जब रूहुल कुद्स की नेमतें हमें देता है तो लाजमी है कि ये नेमतें उस शख्स को मिलेंगी जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं मानते तो ये नेमतें हासिल करने के हम एंटाइटल्ड नहीं हैं। हमें ये नेमतें कभी नहीं मिल सकती अगर हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं है कि वो हमारा निजात दहिंदा है। ये बात भी हमें जहन में रखनी है। पहली बात कि ये नेमतें हमारी अक्ल, हमारी दानिश, हमारे इदराक और हमारी पहुंच से बाहर हैं जब तक रूहुल कुद्स हमें ये नेमत ना दे। दूसरी बात,
कि ये नेमत उसको मिलेगी जो खुदामद यसु मसीह को अपना शख्सी नजात हिंदा मानता है, क्योंकि इसका ताल्लुक ईमानदारों के साथ है, इसका ताल्लुक ईमानदारों से बाहर नहीं है। इसलिए रूहुल कुदस की नेमतें उसको मिलेगी जो खुदामद यसु मसीह को अपना नजात हिंदा मानता है। तीसरी बात जहन में रखने की जरूरत है कि रूहुल कुदस की नेमतें उसको मिलेंगी जो नेमतें हासिल करने के बाद अपने जलाल के लिए नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए काम करे। क्योंकि रूहुल कुदस की नेमतें जब मिलती हैं तो हम इंसानों का स्टेटस बड़ा हो जाता है। जब हम हाथ रखते हैं तो लोगों को शिफा मिलती है, तो लोग खुदा की बजाय उस खादम पर देखना शुरू कर देते हैं जिसके हाथ से शिफा हुई है। लेकिन उस खादम पर जिम्मेदारी है कि वो ये समझे और ये बताए और ये समझाए कि ये शिफा मेरे वसीले से नहीं बल्कि रूहुल कुदस की नेमत के वसीले से हो रही है। सो इसलिए रूहुल कुदस की नेमतों के ऊपर जो तीन प्रिंसिपल्स हैं हमें इनको सीखना इंतहाई ज़रूरी है। जब हम सीखें तो फिर हम इनका सही इस्तेमाल भी कर सकेंगे। मकद्दस पौलुस रसूल इस बात से वाकिफ है कि जब कलीसिया को मरतब किया जा रहा है, जब कलीसिया को कायम किया जा रहा है, तो मकद्दस पौलुस रसूल रूहुल कुदस के वसीले से इस बात का यकीन कर लेते हैं कि कलीसिया क्योंकि इंसानों का मजमूआ है, कलीसिया ईमानदारों का मजमूआ है, तो उसका मुखालिफ जो इबलीस है वो भी कलीसिया में परेशानियों का सबब बनता रहेगा और बनता रहता है। लाजमी है कि इबलीस के हमलों का भी तदारक किया जाए, और इसलिए मकद्दस पौलुस रसूल को ये इल्म था कि कलीसिया हर वक्त सेहतमंद नहीं रहेगी, कलीसिया में जस्मानी बीमारियां भी आएंगी, रूहानी बीमारियां भी आएंगी, नफ्सियाती बीमारियां भी आएंगी। तो मकद्दस पौलुस रसूल ने रूहुल कुदस के जोर में रूहुल कुदस की नेमतों का जिक्र कर दिया है कि अगर कलीसिया में इनफरादी तौर पर कोई बीमार होता है, अगर कलीसिया में इनफरादी तौर पर कोई जहनी मरीज हो जाता है, अगर कलीसिया में इनफरादी या इज्तमाई तौर पर रूहानी जो है वो बीमारी आ जाती है, तो मकद्दस पौलुस रसूल ने रूहुल कुदस की नेमतों में से एक नेमत का जिक्र किया है जिसे शिफा की नेमत कहते हैं। सो आज का हमारा जो मजमून है वो हीलिंग मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, के पाक रूह का जो शिफाया काम है उससे मतलब आज हम सीखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, शिफा नहीं, उसी एक रूह से शिफा नहीं मिली बल्कि उसी एक रूह के वसीले से हम ईमानदारों को शिफा देने की तौफीक मिलती है। शिफा खुदा के पास है, हमारे पास नहीं है। हमें यह तौफीक मिलती है कि हम उस नेमत को बुरे कार लाते हुए हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो उसकी शिफा हो जाएगी। और मकद्दस याकूब के पांचवें बाब के 13वीं आयत से 18वीं आयत तक ये खास लिखा है कि जो ईमानदार हैं अगर वो दुआ करेंगे तो अगर किसी ने गुनाह भी किए हो तो उनकी भी माफी हो जाएगी, क्योंकि ईमानदारों की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। सो ये चीजें हमने जहन में रखनी है। फिर एक और चीज हमने जहन में रखनी है कि रूहुल कुदस की जब नेमतें मिलती हैं तो क्या होता है। नंबर एक, इनफरादी तौर पर रूहानी तरक्की होना शुरू हो जाती है, जिसको नेमत मिली है उसकी भी, और जहां नेमत का इस्तेमाल हो रहा है
उनकी भी इनफरादी तौर पर रूहानी तरक्की होना शुरू हो जाती है। नंबर दो, जहां पर उनको उसकी नेमतें एक्सरसाइज होती हैं, खास तौर पर शफाया नेमत, वहां पर कलीसिया का मजमूई ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है और कलीसिया उस शफा की नेमत के वसीले से बरकत पा रही होती है और बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानना शुरू कर देते हैं। और फिर तीसरी बात कि जहां पर रूहुल कुद्स की नेमतें इस्तेमाल होती हैं, वहां इंसानों को नहीं बल्कि खुदा के नाम को जलाल मिलता है। सो ये बातें जहन में रखनी बहुत जरूरी हैं। आइए अब हम खुदावंद के पाक रूह की उस नेमत को सामने रखें जिसे शफा की नेमत कहा जाता है। शफा की नेमत के मजमून को समझने के लिए हमने इसे छह हिस्सों में तकसीम किया है कि हम किस तरह से इस नेमत को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, समझा सकते हैं और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इनफरादी तौर पर, कलीसियाई तौर पर और समाजी तौर पर इस नेमत का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सो रूह कुदस की जो नेमत शिफा की नेमत है, ये हमने जो नौ नेमतों का सेट बनाया हुआ है, यानी पहली तीन नेमतों में हमने तीन नेमतों का जिक्र किया था, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम और फिर जो सातवीं नेमत है उसको हम तीसरी नेमत में शामिल करके रूहों का इम्तियाज, ये जो तीन नेमते हैं इनका तल्लक माइंड ऑफ गॉड के साथ है, यानी ये नेमते खुदा के जहन को रिवील करती हैं इंसानों के ऊपर और फिर कलीसियाओं में तरक्की होती है। अब जो दूसरा सेट है वो है ईमान की नेमत, जो हमने पिछले लेसन में किया था, और फिर शिफा की नेमत और इसके बाद मौजजात। ये जो तीन नेमते हैं इस सेट से हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं और इनमें जाहिर क्या होता है, पावर ऑफ गॉड यानी खुदा की कुदरत, ईमान, शिफा और मौजजात। ये तीन ऐसी नेमते हैं जिनका हम सेट बना सकते हैं और ये सेट बनेगा खुदा की कुदरत यानी पावर ऑफ गॉड। सो शिफा जो है ये पावर ऑफ गॉड को डिस्प्ले करती है और इसको हम समझेंगे। पहली बात, व्हाट इज हीलिंग, ये शिफा है क्या, शिफा क्या है, पहली बात। दूसरी बात हम सीखेंगे व्हाई हीलिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, के खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा की खिदमत को क्यों अपनी खिदमत का हिस्सा बनाया, जबकि इससे पहले जितने भी अंबिया कराम थे या जितने भी खुदा के बड़े बड़े लोग आए, ये मिनिस्ट्री ऐसे इस्टेब्लिश नहीं हुई जिस तरह यीशु मसीह के दौर में इस्टेब्लिश हुई। सो क्यों ऐसा हुआ ये भी हम बताएंगे। तीसरी बात हम बताएंगे कि हीलिंग मिनिस्ट्री को ज्यादा समझने के लिए जो इब्रानी और यूनानी जबान के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। चौथी बात, हम जो अकसाम हैं, जो शफाया खिदमत की अकसाम है, कितनी किस्म की शफा होती है, ये हम चौथे नंबर पर सीखेंगे। पांचवें नंबर पर हम सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ द हीलिंग मिनिस्ट्री, के बाज़ औक़ात हमारे जहनों में बहुत सारे गलत किस्म के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, उनको हम क्लियर करेंगे कि शफाया खिदमत का जो तस्वर है असल में वो क्या है। और फिर छठी बात हम समझेंगे कि शफाया खिदमत का सोर्स और मंबा क्या है, कि शफा कहां से हमें मिलती है। और फिर आखिर में अपील होगी सातवें नंबर पर, उसमें हम सीखेंगे कि क्या शिफाया खिदमत को आज जारी और सारी रखना चाहिए और उसका क्या मेयार होना चाहिए और उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये सात चीज़ें हम सीखेंगे। पहली छह चीज़ें जो हैं वो टीचिंग है और सातवीं चीज़ जो हमारी अपील है। सो पहले हम सीखेंगे व्हाट इज हीलिंग, शफा क्या चीज है। रूह कुद्स की नेमतों में शफा की नेमत को बड़ी अहमियत हासिल है और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से
रूलकुश की नेमतों में गैर जबान को खासा मकाम हासिल है, उसी तरह रूलकुश की नेमतों में शफा की नेमत भी बड़ी पॉपुलर है, बड़ी आम समझी जाती है और इसका इस्तेमाल भी दीगर नेमतों से ज्यादा हो रहा है। सो इसको समझ लें कि ये है क्या चीज़ है, कि शफा की नेमत क्यों ज़रूरी है और ये है क्या चीज़। अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो पुराने अहदनामे में शफा का जो अपोजिट है उसको बीमारी कहा गया है, यानी अगर कोई बीमार हो तो उसको शफा की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने भी कहा था कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं है। सो इसका मतलब यह है कि अगर शफा की खिदमत कलीसियाओं में ज़रूरत है और हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कलीसियाओं में बीमारियां मौजूद हैं। शफा की नेमत को पुकारना या शफा की नेमत को रूलकुश के जो पैकेज है उसकी नेमतों में डाल देना से मुराद ये है कि कलीसियाओं में बीमारियां आएंगी, कलीसियाओं में परेशानियां आएंगी, कलीसिया बीमार होगी। और खुदा भी जानता था, अब मुकद्दस पौलुस रसूल भी जानता था, और इस वजह से हमारे पास शफा की नेमत मौजूद है। सो आज बहुत सारे लोग सेहतमंद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो सेहतमंद नहीं हैं। बहुत सारे लोग सेहतमंद नजर आते हैं लेकिन सेहतमंद नहीं हैं। सो ये जो हथियार है, ये जो वेपन है, ये शफा की जो नेमत है, ये उन लोगों पर इस्तेमाल होता है जिनके ऊपर बीमारियों ने हमला किया हुआ है। पुराने अहदनामे में जो बीमारी है इसका ताल्लुक इबलीस के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि ख्याल ये किया जाता है कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनके पीछे इबलीस का हाथ होता है, उनके पीछे सैतन एंड सिन होता है। सो ये पुराने अहदनामे का तस्वर है। नए अहदनामे में इसे थोड़ा क्लियर कर दिया गया था, लेकिन पुराने अहदनामे में जो बीमारी है उसके लिए काकोपाथे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर तुम में कोई बीमार हो तो दुआ करें। सो मुकद्दस याकूब ने भी यही कुलिया बताया है। सो काकोपाथे ये बीमारी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब ये जो बीमारी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये तीन किस्म की बीमारियों की इलस्ट्रेशन है, उसकी तशरीह है। काकोपाथे से मुराद ये है कि जब कोई बीमारी हमला आवर होती है तो वो क्या करती है कि सबसे पहले वो इंसानी जिस्म पर हमलावर होती है, और इंसानी जिस्म पर जब कोई चीज़ हमलावर होती है, क्योंकि ये इजी टारगेट है इबलीस का, हमारा जिस्म जो है इबलीस का और सैतन और सिन का ये इजी टारगेट है, हमारे जिस्म को इस्तेमाल करके जो इबलीस है वो हमें टच कर सकता है। सो पहली बात कि जब भी बीमारी आती है वो हमारे जिस्म को टारगेट करती है और हमारे जिस्म को वो इंजर करती है, डैमेज करती है। और पुराने अहदनामे के ख्याल के मुताबिक ये इबलीसी हमले होते हैं जो हमारे ऊपर होते हैं। और ये जो काकोपाथे है, बीमारी जो है ये ट्रैवल करती है, ये हमारे जिस्म तक नहीं रहती। ये जो बीमारी है ये ट्रैवल करती है और ऐसे होता है कि हमारे जिस्म के बाद हमारा जहन भी बीमार होना शुरू हो जाता है, जिसको हम साइको कहते हैं, और ये साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मरीज इंसान बन जाते हैं। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, क्योंकि अगर किसी को लंबी बीमारी में इसे गुजरना पड़े तो वो जहनी मरीज हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो खुदा से नाराज हो जाते हैं, वो अपने अजीजों से नाराज हो जाते हैं, वो साइको हो जाते हैं। सो ये जो बीमारी है ये ट्रैवल करती है और ये हमारे जहन पर, जिस्म से गुजरती हुई हमारे जहन पर कब्जा कर लेती है। और खुदा ना खास्ता
अगर कोई जोड़ा है और उसकी शादी हुई हो और चंद साल औलाद पैदा ना हो, तो वो जो बीमारी है, कमजोरी है, इंसानी कमजोरी है, वो नफ्सियाती बीमारी बन जाएगी। और जैसे हन्ना का मसला था और वो बेचारी जहनी मरीज बन गई हुई थी, क्योंकि लोग उसे बातें करते और बहुत सारे लोग उसे ताने भी करते। और इसी तरह जकरिया और अलिशबा का भी यही मसला था। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जहनी मरीज बन जाता है इंसान। बीमारी जो है ट्रेवल करती है फ्रॉम फिजिकल टू योर साइकोलॉजिकल इश्यूज। और इसी तरह बीमारी सिर्फ यहां तक ही महदूद नहीं है, वो सिर्फ जिस्म और जहन पर कब्जा नहीं करती, बल्कि तीसरे दर्जे पर भी वो ट्रेवल कर जाती है, और वो हमारा ईमान है। क्योंकि बीमारी हमारे जिस्म में से गुजरती हुई हमारे जहन में जाती है, हमें जहनी मरीज करती है, और बाद में वो हमारी रूहानियत को छेड़ती है, हमारे ईमान को छेड़ती है। और फिर क्या होता है, इबलीस उसे कहता है तेरी बीमारी का हल दुआ नहीं है, तेरी बीमारी का हल मेडिकल नहीं है, तेरी बीमारी का हल तो कोई दरबार है, तेरी बीमारी का हल कोई पीर है, तेरी बीमारी का हल कोई जादू है, कोई धागा है, कोई तावीज है। और जब ये चीजें आ जाती हैं तो फिर इबलीस हमारे ईमान को चैलेंज कर देता है। सो बीमारी जो है अगर इसको सही तौर पर डील ना किया जाए तो ये हमारे जिस्म को लागर करती है, नंबर दो हमारे जहन को जहनी मरीज में हम बदल जाते हैं, और उसके बाद हम अपने ईमान से भी हाथ धो बैठते हैं। बहुत सारे लोग औलाद हासिल करने के लिए पीरों फकीरों का सहारा लेते हैं। ये बीमारियां हैं जो ना सिर्फ हमारे जिस्म बल्कि हमारे जहन और रूह पर भी काबिज हो जाती हैं। सो लाजमी है कि जो रूल कुछ की नियमतें हैं उनमें से शिफा की जो नियमत है, अगर हम इसको प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम ये काको पाथे पर गलबा हासिल करेंगे, और हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से और रूहुल कुद्दस की नेमत के वसीले से हम इस पर काबिज आ सकते हैं, इस पर गालिब आ सकते हैं। सो पुराने अहदनामे में यही तस्वर था कि अगर किसी को कोढ़ की बीमारी है, या अगर किसी को फालज की बीमारी है, या अगर किसी को दिल की बीमारी है, या आंखों की बीमारी है, तो ज्यादातर यही तस्वर था कि इसके पीछे इबलीस और गुनाह और शैतान है, यही यह तस्वर था। नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील के 9 बाब में यह मसला थोड़ा सा हल कर दिया है कि एक बच्चा है जो एक बंदा है जो जन्म का अंधा है, और उसके ऊपर यह सवाल कर दिया गया यीशु मसीह के ऊपर कि खुदावंद ये जो अंधा पैदा हुआ है इसकी मां ने गुनाह किया है, या इसके बाप ने गुनाह किया है, या इसके बावजदाद ने गुनाह किया है, ये अंधा क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि सवाल करने वाले यहूदियों के जहन में बात यह थी कि अगर कोई बच्चा जमीन पर अपाहज पैदा हुआ है तो वो उनके वालदैन या अबाओजदाद के गुनाह का नतीजा है, यह तस्वर था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, इसलिए कि यह बीमारी ना तो इसने बाप ने गुनाह किया ना इसकी मां ने गुनाह किया, यह इसलिए अंधा पैदा हुआ है कि खुदा के नाम को जलाल मिले, ये ठीक हो और खुदा के नाम को जलाल मिले। सो ये नए अहदनामे में थोड़ा सा ये मसला क्लियर हुआ है कि जरूरी नहीं है कि हर बीमारी के पीछे इबलीस हो, बल्कि बाज़ोकात जो बीमारी है वो खुदा के जलाल के लिए होती है। सो ये तस्वर है कि बीमारी क्या है और बीमारी के बाद शिफा क्या है। शिफा का जो असल मंबा है हमेशा खुदा होता है। हमारे पास बहुत सारे हवाला जात हैं, खुदा खुद शिफा देता है और उसके बाद आगे प्रोसेस चलता है। सो बीमारी से मुराद इंसान का दिमाग, उसका जिस्म और उसकी रूह इंजर होती है, और शिफाया मिनिस्ट्री जब एक्सरसाइज होती है तो फिर इलाज भी ऐसे ही होता है। और हम जो इलाज करते हैं
शफाया मिनिस्ट्री में हम पहले उसके ईमान का इलाज करते हैं, जैसे अबलीस पहले जिस्म को, बाद में जहन को और आखिर में ईमान को इंजर करता है। जो रूल कुछ की नेमत है वो पहले ईमान को ठीक करती है, फिर उसके जहन को ठीक करती है और जिस्म खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सो ये शफा का जो तरीका है, व्हाट इज हीलिंग, ये मैंने बताया है। अब व्हाई हीलिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, अब जो दूसरी बात है वो है कि व्हाई हीलिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, के खुदावंद यीशु मसीह की शफाया खिदमत को इतनी अहमियत क्यों मिली है? क्योंकि जितने भी मजाहिब हैं उनमें से जो शिफाया खिदमत है वो ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह की रही है, और खुदावंद यीशु मसीह को यहोवा राफे के तौर पर माना जाता है, ऐसा खुदा जो शिफा देने वाला खुदा है। सो पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, शिफाया मिनिस्ट्री क्यों है, व्हाई हीलिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहली बात हमें यह मिलेगा यसाया 53 बाब में उसकी चौथी आयत में, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह का जमीन पर पैदा होना, जमीन पर रहना, उनकी खिदमत, उनके मौजजात, उनकी सलीबी मौत, उनका कब्र में रखा जाना, उनका तीसरे रोज मुर्दों से जी उठना, उनका आसमान पर उठाया जाना और वापस आना, ये सारा का सारा पुराने अहदनामे में नबूवती कलाम है, उनसे मुतलक नबूवत कर दी गई है हजारों साल पहले। और यही हमारा फख्र है कि खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो वो अचानक नहीं आए, वो हजारों साल पहले जो जो खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर किया वो बाइबल मुकद्दस में हजारों साल पहले उनसे मुतलक लिखा गया और वैसा ही हुआ। और शिफाया खिदमत जो है इसके बारे में पेशीन गोई कर दी गई थी, नबूवत कर दी गई थी यसाया नबी के वसीले से तकरीबन 700-800 साल पहले कि जो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, ये जमीन पर जब रहेगा तो इसकी मिनिस्ट्री में से एक मिनिस्ट्री शिफाया मिनिस्ट्री भी होगी। सो खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे शिफाया मौजजात किए हैं, अनगिनत हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने 35 रिकॉर्ड किए हैं। बहुत सारी शिफाया हीलिंग मिनिस्ट्री है, अनगिनत लोगों ने शिफा पाई है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने 35 शिफाया वाकयात जो है वो रिकॉर्ड किए हैं। और ये इसलिए कि पुराने अहदनामे में की गई पेशन गोई की तकमील हो जाए, ये पहली वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह को शिफाया मिनिस्ट्री क्यों। यहूदी तसव्वुर ये था कि जो मसाया होगा, जो खुदा का बेटा होगा, वो यहोवा राफे का डिस्प्ले होगा। ये कॉन्सेप्ट ये था कि जब यीशु मसीह मसाया इस दुनिया में आएगा, जिसे इब्ने खुदा कहा जाएगा, वो खुदा बनकर काम करेगा और जो खुदा करता है यानी यहोवा राफे वो शिफा देने वाला है। यसाया ने कहा कि वो यहोवा का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो यहोवा का डिस्प्ले होगा, वो यहोवा की नुमाइंदगी करेगा। और उसने शिफाया मिनिस्ट्री को जारी रखकर उसने साबित कर दिया है कि वो यहोवा राफे खुद है। पहली बात। दूसरी बात यह भी पेशन गोई की गई यसाया 53 बाब में कि क्यों शिफाया मिनिस्ट्री हुई। इसलिए यसाया 53 बाब की 5वीं 6वीं आयत में लिखा है कि वो जब इंसानों को शिफा देगा तो वो सब्स्टिट्यूशन बनेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी वो एक चीज लेगा और दूसरी चीज देगा। यह भी पेशन गोई की गई है कि उस पर हमारी खताएं लाद दी गई। और ये यसाया ने पेशन गोई की थी कि जो मसाया होगा वो लोगों को दावत देगा
कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, अपनी मेहनत अपना बोझ मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यह भी पेशेंटगोई की गई थी कि मसाया जो होगा वो आपकी मेहनतों को, आपकी मशक्कतों को, आपकी परेशानियों को, आपकी बीमारियों को वो ले लेगा और उसके अगेंस्ट उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी वो आपको रेस्ट, इत्मीनान, शिफा देगा। ये भी पेशेंटगोई कर दी गई थी। ये दूसरी बात है क्यों ऐसा हो रहा है। तीसरी बात कि खुदावंद यीशु मसीह को शिफाया मिनिस्ट्री क्यों करना पड़ी। पहली बात कि पेशेंटगोई करना पड़ी, दूसरी बात कि ये सब्स्टिट्यूट करे कि वो हमारी खताएं, हमारे गुनाहों को ले ले और अपना हकीकी आराम हमें दे दे। ये भी पेशेंटगोई की गई। तीसरी बात कि मसाया जो है उसका इबलीस और गुनाह पर कंट्रोल होगा, ये साबित करने के लिए कि जो मसाया होगा, जो यहोवा का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो शालोम होगा, वो क्या करेगा कि वो इबलीस और गुनाह को डांटने की ताकत रखेगा। उसकी कुदरत होगी फितरत के ऊपर, वो बाइख्तियार होगा गुनाह पर और इबलीस के ऊपर। वो गुनाह को भी डांट सकेगा, वो कहेगा कि जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, और वो गुनाह माफ करने की कुदरत भी रखता। सो इबलीस और गुनाह पर फाते साबित करने के लिए हमें मत्ती की झील के 9:6 में मिलता है कि वो साबित करता है कि उसको इख्तियार है गुनाह को डांटने का और इबलीस को डांटने का, इसलिए उसने मिनिस्ट्री है। नंबर 4, खुदा जो है अपनी मखलूक को प्यार करता है और वो चाहता है कि जैसे मैंने कायनात की तखलीक की है, मैंने कोई चीज भी कमजोर पैदा नहीं की, कोई चीज बुरी पैदा नहीं की। खुदा ने क्रिएशन में 5 दिन जो भी बनाया उसने कहा अच्छा है, और जब इंसान को बनाया तो उसने एडजेक्टिव लगा दिया, उसने कहा बहुत अच्छा है। अब ये जो बहुत अच्छा इंसान है, ये खुदा के जहन में इंसान का एक मेयार है कि वो जस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर और ईमानी तौर पर एक मेयारी ईमानदार रहे। ये खुदा का जहन है। फिर खुदा कहेगा बहुत अच्छा है। खुदा बहुत अच्छा किसको कहता है? जो फिजिकली ठीक हो, जो साइकोलॉजिकली ठीक हो, जो रूहानी तौर पर ठीक हो, जो मेयार हो, उसको खुदा कहता है बहुत अच्छा है। और ये जो बहुत अच्छा था, ये अच्छा भी ना रहा, ये जो बहुत अच्छा था ये नीचे जाके गिर गया। ये सुपरलेटिव डिग्री थी लेकिन ये नीचे जाके चला गया, और उसको दोबारा से बहाल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को शिफाया खिदमत करना पड़ी। जो बहुत अच्छा था उसको दोबारा से, शायद बहुत अच्छे तो नहीं हम बन सके लेकिन वो अच्छा तो कर देगा, वो अच्छा तो कर देगा, बहुत अच्छा। तो फिर हम उसकी दूसरी आमद पर ही हो जाएंगे, क्योंकि वो जो बाग अदन वाला मकाम है वो हमें वो उसी वक्त मिलेगा जब हमारा नजात हिंदा दुल्हा हमें लेने आएगा। बहुत अच्छे हम हो जाएंगे लेकिन जमीन पर वो हमें बुरा नहीं रहने देगा, बीमार नहीं रहने देगा, वो हमें अच्छा कर देगा। ये 4 चीजें मैंने बताई हैं कि क्यों यीशु मसीह ने ये मिनिस्ट्री की। पहली बात यशाया 53:4 में कि इस मिनिस्ट्री के बारे में पेशेंटगोई की गई थी। दूसरी बात ये भी पेशेंटगोई की गई थी कि मसाया जब आएगा वो आपकी कमजोरियां ले लेगा और अपनी गुडनेस, अपनी नेकी, अपनी भलाई, अपना आराम आपको दे देगा। तीसरी बात कि वो इबलीस और गुनाह और शैतान पर फतह हासिल करेगा। और चौथी बात, वो अपनी मखलूक जो बहुत अच्छी है उसे अगर बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा ज़रूर करेगा, बहुत अच्छा, हम उसकी आमद पर हो जाएंगे। तीसरा हिस्सा है शिफा की मिनिस्ट्री को समझने के लिए, शिफा की नेमत को समझने के लिए,
कि हम बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इबरानी जबान में और यूनानी जबान में उनको हम देख लें। पुराने अहदनामे में 5 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं शाफी के लिए और शिफा के लिए, और 2 नए अहदनामे में इस्तेमाल हुए हैं। जो पहला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अरोका। अरोका ये इब्रानी जबान का लफ्ज है। अरोका से मुराद होता है कि कोई ऐसा जख्म हो जिसको हील करना है, जिसको मरम्मत करना है, जिसको शिफा देनी है उसकी मेडिसिन के वसीले से या किसी भी तरीके से। अरोका का मतलब होता है टू रिपेयर। कोई दीवार अगर गिर जाए तो उसकी तामीर करने को भी, उसमें जो सीमेंट वगैरह लगता है वो सारे अमल को भी अरोका कहते हैं। ये जो जिस्म है ये टूट फूट का शिकार रहता है। हमारा जो जिस्म है इसके जो मसल्स हैं ये थक जाता है, टूट फूट का शिकार रहता है, और अरोका जो है ये उसकी तामीर करता रहता है। खुदा ने एक सिस्टम बनाया है हमारे अंदर, हमारे जो मसल सारा दिन टूटते रहते हैं, जब हम सोते हैं तो अरोका ये ऐसी हीलिंग है जो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है, जो खुदा ने सिस्टम जनरेट किया है हमारे अंदर हमारे जिस्म को एक सेटअप देने के लिए, एक रेस्ट देने के लिए, और उसमें खुदा ने ये अरोका जैसी हीलिंग रख दी है जो हमें आज जिसकी हमें ज़रूरत भी है और जो ऑटोमेटिक ही खुदा ने रख दी है। इसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप आराम करें, सुकून करें और वो हीलिंग शुरू हो जाएगी। ये खुदा ने हमारे जिस्मों में रख दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक है। इस पर कभी किसी ने गौर ही नहीं किया कि खुदा जो हर वक्त आपकी हीलिंग करता रहता है, आपके जिस्म को तंदुरुस्त करता रहता है, एक लिमिट में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। और जब हम थोड़ी रेस्ट करते हैं तो बाद में हम उठते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत थका हुआ था लेकिन खुदा का शुक्र है बस 2 घंटे रेस्ट किया तो मैं ठीक हो गया हूँ। अरे भाई आप कैसे ठीक हो गए हैं? आप सोए हैं और खुदा ने आपके ऊपर काम किया है। आपके अंदर खुदा ने एक प्रोग्राम रखा है जो ऑटोमेटिक की सॉफ्टवेयर चल जाता है और वो रूहानी सॉफ्टवेयर आपकी हीलिंग कर देता है। ये खुदा की बात है, इस पर हमने कभी गौर नहीं किया। ये अरोका सिस्टम है जो खुदा ने हमारे अंदर रखा हुआ है। ये खुदा हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा लफ्ज़ है मरफा, जहाँ से राफा निकला है, मारफे जहाँ से, जो यहोवा राफे, राफे यहाँ से निकला है मरफा। ये शाफी के लिए और शिफा के लिए लफ्ज़ है यहोवा राफे। यहाँ से एक ख़वातीन लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं रफू करना होता है, जो अगर कोई कपड़ा फट जाए तो उसमें टांके शांके लगाने पड़ते हैं। सो ये जो अरोका है उससे थोड़ा शायद बेहतर है। इसके ऊपर थोड़ा सा नीडल और धागे का काम भी होता है। ये यानी ऐसी हीलिंग जो टूट फूट का शिकार हो जाती है, और इसका मतलब है जॉइन टुगेदर, दो चीज़ों को मिला देना, दो कपड़ों को स्टिच कर देना, सी देना, या कपड़ा फटा हुआ है उसको रफू कर देना। और ये जो है अरोका के बाद जो मारफे है, मारफा है, यहाँ से रवा राफे निकला है। और ये जो हीलिंग है ये मुख्तलिफ तरह से होती है। ये हीलिंग ज़रूरी नहीं है कि ये फिज़िकल इंजरी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से कट लगा हो और आप सिलाई कर रहे हो, ये भी है। यानी जिस्म में कट लग गया है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो नीडल कर देता है उसे और वो जोड़ देता है और बाद में मेडिसिन लगा देता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन साइकोलॉजिकली ये काउंसलिंग मिनिस्ट्री भी है इसमें, कि अगर कोई जहनी तौर पर अपसेट हो गया है तो आपके जो अल्फाज हैं, आपकी जो तसल्ली है, आपकी जो प्रेयर है, आपका जो कलाम है, वो किसी की हीलिंग कर सकता है। इसको भी कहते हैं कि जो चीज़ें टूट गई हैं उनको दोबारा से जोड़ने को राफे कहते हैं। इसलिए ये जो यहोवा राफे है इसका मतलब ये है कि ये जो तलकात खुदा और इंसान के टूट गए हुए थे
उनको रफू कर दिया था, उसने जोड़ दिया था, उसने सिलाई कर दी थी। और ये मैरिटल काउंसलिंग के लिए और मैरिटल शादीशुदा जिंदगी में भी यही रफे जो है ये काम करता है। जहां तलकात खराब हो जाते हैं, जहां टूट जाते हैं, ये रफे जो है बीच में आ जाए तो हीलिंग शुरू हो जाती है। तो प्रॉपर हीलिंग जो है वो किसी अलहदा चीज को जोड़ने के लिए हम यहोवा राफे को बुलाते हैं, जो यीशु मसीह ने यह काम किया है। इसको हम ऐसी मिनिस्ट्री, शिफाया मिनिस्ट्री कहते हैं। ये शिफाया मिनिस्ट्री एक हालात है और हालत है जो हमें आज सीखना है। तीसरा लफ्ज है यशुआ। यशुआ ये जो शिफा है इसमें जिस्मानी अंसर कम पाया जाता है, रूहानी अंसर ज्यादा पाया जाता है। ये शिफा, इस शिफा के पीछे गुनाहों की माफी भी हो जाती है। ये जो यशुआ वाली है, इसलिए यीशु मसीह को यशुआ नाम दिया गया, यस्सु कहा गया, क्योंकि यस्सु से मराद जस्मानी हीलिंग भी है, जहनी हीलिंग भी है और रूहानी हीलिंग भी है। सो यशुआ जो है ये पूरी एक होलनेस है, ये होलिस्टिक हीलिंग है। इसलिए हम कहते हैं कि यस्सु नाम के बगैर कुछ नहीं, यस्सु नाम में कुदरत पाई जाती है। सो यशुआ एक ऐसी हीलिंग है जो फिजिकल भी है, जो साइकोलॉजिकल भी है और जो स्पिरिचुअल भी है। ये हीलिंग यशुआ में मिलती है। फिर शालोम, शालोम ये भी हीलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये वो आराम है जो दुनिया नहीं दे सकती। और बाज़ औक़ात इंसान फिजिकली फिट होता है, इंसान रूहानी तौर पर भी ठीक होता है, दुआ में भी ठीक होता है, दुआ रोज़े में भी, कलाम में भी ठीक होता है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर सुकून में नहीं होता। और उसी के लिए यीशु मसीह ने दावत भी दे दी थी कि ऐ मेहनत उठाने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और मैं वो आराम दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती, वो इत्मीनान जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये भी शिफा की नेमत में जिक्र आता है। जब हमें शिफा की नेमत मिल जाएगी तो ये सात के सात अल्फाज हमारे अंदर आ जाएंगे और ये सात जो अल्फाज हैं ये हम इनको एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे और हम लोगों की शिफा का सबब बनेंगे। पांचवा है मातोम। मातोम लफ्ज है जहां से उर्दू जबान का लफ्ज तमाम निकला है, तमाम हुआ। सो मातोम से मतलब है ये मातम नहीं है, ये मातोम है। और मातोम का मतलब है किसी चीज को मुकम्मल करना, किसी चीज की जो हालत है उसकी तकमील कर देना, कंप्लीट कर देना, किसी अनफिनिश्ड चीज को फिनिश कर देना। उसने कहा तमाम हुआ। ये जो तमाम हुआ है ये मातोम है, यानी जो मुझे काम दिया गया था मैंने उसको तमाम कर दिया है। ये भी शिफा की नेमत में आता है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत के वसीले से हमें जस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी शिफा दे दी थी। इसलिए मातम। और जल्दी से जो छठा है वो है सुतेरिया। और सुतेरिया और यशुआ, इब्रानी जबान में जो तीसरा लफ्ज़ था वो यशुआ था और यहां पर छठा जो है सुतेरिया से मुराद वही है जो यशुआ, यानी गुनाहों की मुआफी की शिफा। आप जानते हैं कि मरकज दो बाब में एक मफलूज लाया गया है जिसको एक फिजिकल बीमारी के तौर पर लाया गया है। मफलूज जो है उसको बताया ये जा रहा है कि ये इसको फालज हुआ हुआ है। यीशु मसीह ने स्कैन लगाया, उसने कहा ये फालज नहीं है, इसके पीछे गुनाह है। उसने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ है, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये यशुआ कर सकता है या सोतेरिया, सोतेर निजात दहिंदा कर सकता है। सो और आखिरी लफ्ज़ है सातवां, वो है हागियानो। हागियानो ये ज्यादातर फिजिकल हीलिंग के लिए या अच्छी सेहत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हमारी जो फिजिकल हीलिंग है इसके लिए। सात लफ्ज़ हैं। अब काइंड्स ऑफ हीलिंग, चौथी बात है काइंड्स ऑफ हीलिंग के इसकी अकसाम क्या है। और इस पर मैं ज्यादा जोर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है। पहली बात फिजिकल हीलिंग। फिजिकल हीलिंग यानी अगर हम बीमार हो जाएं
तो हमारे जिस्मानी जो अज़ा हैं इनमें कमज़ोरी आ जाए या अंदर के सिस्टम में कमज़ोरी आ जाए। और ये हीलिंग यीशु मसीह ने खुद भी की, जैसे पेशीन गोइयां की गई, और बाद में यीशु मसीह के बाद अगर हीलिंग में कोई नंबर टॉप गया है तो वो पौलुस रसूल गया है। पौलुस रसूल जो है यीशु मसीह के बाद नए आदनामे में जो शिफाया मिनिस्ट्री है वो पौलुस रसूल ने की है। मैंने इस पर बड़ा गौर किया कि और शागिर्दों ने भी की है, लेकिन और शागिर्दों ने कम की है। पौलुस यहां तक उसके साए में से भी लोग गुजर जाते थे तो लोग शिफा पा जाते थे, उसका रुमाल कपड़ा टच कर लेते थे शिफा पा जाते थे। और मैंने इसको बहुत गौर से देखा कि वाकई अमाल 19 बाब में यह भी हमें मिलता है। सो मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी, और उसके बाद ये सक्सेशन हमारे तक भी पहुंचता है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल हीलिंग है, यह भी मैंने बताया है कि यशुबा में यह सब कुछ मिल जाता है, जहनी शिफा होती है और हमें ये हासिल होती है। और फिर स्पिरिचुअल हीलिंग है, ये तीन बड़ी अकसाम हैं जो हमें मिलती हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग जो होती है ये हमें उस वक्त मिलती है जब हम गुनाहों से तौबा करते हैं। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग, तसव्वुर क्या है। पहली बात मैंने बताई है कि खुदा ने हमारे अंदर एक हीलिंग सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है, और ये जर्नल हीलिंग है, ये ह्यूमन के लिए है, और ये इसलिए है, इसमें कोई मजहब का तसव्वुर नहीं है कि ये किस मजहब के लिए है। खुदा ने इंसान को दी है, इंसान के अंदर एक सेल्फ रनिंग हीलिंग सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता रहता है। और कोई भी इंसान, चाहे वो खुदा को मानता है चाहे वो खुदा को नहीं मानता, ये हीलिंग खुदा ने उस इंसान के लिए रखी है। जब आप रेस्ट करते हैं सो आपके अंदर ताजगी आ जाती है और आप शिफा पाना शुरू हो जाते हैं, ये एक तसव्वुर है। अब दूसरा जो है वो मेडिकल हीलिंग है, खुदा ने इंसान के अंदर मेडिकल हीलिंग भी रखी है। इंसान चाहता है कि जब वो बीमार हो तो उसको कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो, यानी अगर कोई वो एक यर्मिया ने कहा है कि क्या जलाद में रोगने बिलसान नहीं, क्या वहां कोई तबीब नहीं, और अगर हैं तो मेरी बिन्नत कौम शिफा क्यों नहीं पाती। यानी रोगने बिलसान और तबीब, ये बाइबल मुकद्दस रिकमेंड करती है। ये जो मेडिकल हीलिंग है खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी इसे एक्सरसाइज किया है। बहुत सारे मकामात पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर थूका, मट्टी सानी, और उन्होंने, अरे भाई अगर इतनी बड़ी कायनात कहने से बन सकती है तो ये आंखें क्यों नहीं बन सकती। लेकिन वो मकसद ये था कि उसको बताने के लिए कि कुछ करने की जरूरत है। एक बंदा है जो हकला और वो बहरा है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके कानों में उसकी साइकोलॉजी ठीक करने के लिए कानों में उंगलियां दी। खुदावंद यीशु मसीह ने मेडिकल को अप्रूव किया है कि मेडिकल जो है ये वो साइंस है जिसे खुदा ने बरकत दी है, और खुदा की बरकत के वसीले से मेडिसिन में खुदा ने वो ताकत रखी है, डॉक्टर्स को खुदा ने वो हिकमत दी है जिसके वसीले से खुदा की कायनात, उसमें जो इंसान है वो सेहतमंद हो सकते हैं। अब यहां एक मेरी ईमानदारों से हाथ जोड़ कर दरखास्त, मैं जोड़ भी देता हूं, हाथ जोड़ कर दरखास्त ये है कि आप ये वाला गीत ना गाएं कि दवाइयां होन नहीं खानियां। ये वाला गीत जो है ये हमें खराब कर सकता है। अगर भाई किसी को हार्ट अटैक हुआ है, अगर तो छोटी मोटी मर्ज है तो चलें खुदा से मुकाबला करें। मेडिकल को अप्रूव किया है खुदा ने, दवाइयों को खुदा ने ब्लेस किया है, खुदा ने मेडिकल साइंस को ब्लेस किया है, खुदा ने डॉक्टर्स को ब्लेस किया है। और अगर आप ये गाते हैं कि दवाइयां हो नहीं खानियां, तो मैंने बहुत सारे ईमानदार मरते देखे हैं जो दवाइयों से बच सकते थे लेकिन उन्होंने दवाइयां ना खा के ये फैसला किया कि हम दवाइयां नहीं खाएंगे, और वो मर गए। कुछ को मैं भी जानता हूं। सो इसलिए ये थियोलॉजिकली ये गीत जो है मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करता। आप दवाइयां जरूर खाएं, जहां मुश्किल है दवाइयां खाएं। और मैंने एक दो गुलूकारों को देखा है जो ये वाला गीत गा रहे हैं कि दवाइयां हो नहीं खानियां, क्योंकि बहुत ऊंचे स्वर में गाते हैं, और इस गीत के फौरन बाद वो पैनाडॉल मांगते हैं।
इस गीत के फौरन बाद मैंने देखा वो पैनाडॉल मांगते जी, पैनाडॉल है हमारे पास। सो खुद दवाइयां खाते हैं, लोगों को कहते हैं दवाइयां हूं नहीं खानियां। सो ये वाले जो इमोशनल किस्म का ईमान है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। जब मुश्किल है तो आप जरूर मेडिकल के पास जाएं और आप जरूर ये दवाइयां जरूर खाएं, ये बुरी बात नहीं है। सो तीसरी जो हीलिंग है, पहली है जो मैंने बताया नेचुरल हीलिंग, जो हमारे अंदर एक सेल्फ रनिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात है मेडिकल हीलिंग, इसको हमने तसव्वुर ठीक किया है। तीसरी बात है मिरेकुलस हीलिंग। मिरेकुलस हीलिंग होती है जब हम दुआ करते हैं तो इंस्टेंट शिफा हो जाती है। उसने कहा जाओ अपने ताई काहिन को दिखाओ, ये शिफा हो गई है, उठ और अपनी चार पाई उठा चल पर, ये भी मिलती है। और ये रूल कुछ की नेमत है, ये वो नेमत है जो आज हमें दरकार है, इसके लिए हमें करना है। एक नेमत खुदा ने हमारे अंदर लगाई है, दूसरी नेमत शिफा की वो मेडिकल है, तीसरी नेमत जो है वो दुआ है और रूल कुछ की नेमत है जो शिफाया मिनिस्ट्री है, इसके बगैर हम शिफा नहीं पा सकते। आखिरी नुकता है मेरा सोर्स ऑफ हीलिंग, कि जब हम शिफाया मिनिस्ट्री शुरू करते हैं तो सोर्स ऑफ हीलिंग क्या है। पहली बात कि जमीन पर कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात, ना आसमानों पर ना जमीन, ना जमीन के नीचे। सो पहला शिफा का सोर्स वो यसु नाम है। यसु नाम में शिफा होती है, इसी से बुदुरें भागती हैं, इसी से बीमारियां भागती हैं, इसी से गुनाह माफ होते हैं, इसी से इबलीस भागता है। यसु नाम में कुदरत पाई जाती है, पहला सोर्स यसु नाम है। दूसरा जबूर 107 की 20वीं आयत में वो अपना कलाम नाजल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है। सो अगर आप फील करते हैं कि आपकी शिफा हो तो मैं आपको गारंटी करता हूं, बाइबल पढ़ना शुरू कर दें, यीशु का नाम लेना शुरू कर दें, आपकी शिफा अभी शुरू हो जाएगी। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं कभी अपना कलाम नहीं पेश करता, बाइबल बाइबल कह रही है कि आप गुलाम करें। और तीसरी बात ईमान, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। 35 मौजजात में से, शिफाया मौजजात में से 10 शिफाया मौजजात ऐसे हैं जहां खुदावन यीशु मसीह ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। सो तीन बड़े सोर्स हैं, यीशु नाम जिसमें कुदरत पाई जाती है, इसमें से बदरूहें भागती हैं, इसी नाम के वसीले से हम शिफा पा जाते हैं, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, ये गीत ठीक है। फिर खुदा का कलाम वो नाजिल होता है, शिफा होती है। नंबर तीन पर ईमान के वसीले से हमें शिफा मिलती है। अब आखिर में हम जो ईमानदार हैं हमें इस नेमत को हासिल करना है, लेकिन इस नेमत को हासिल करने के बाद इसको इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना है। जो अपील मैं करने जा रहा हूं ईमानदारों को, और खास तौर पर वो लोग, वो खुदाम जो खुदा के खूबसूरत और प्यारे खुदाम हैं जिन्हें खुदा ने शिफा की नेमत से नवाज रखा है, मैं उनसे इल्तमास करता हूं कि ये गिफ्ट आपका नहीं है, आपको तौफीक दी गई है। ये आपके अंदर से गिफ्ट पैदा नहीं हुआ, ये आपको रूहुल कुद्दस को पुकारने के बाद, दुआ करने के बाद खुदा ने आपको शिफा की तौफीक दे दी है। खुदा ने आपको शिफा देने की तौफीक दे दी है, लिहाजा सोर्स शिफा का आप नहीं है, रूहुल कुद्दस है। पहली बात ये क्लियर कर लें कि जितने मेरे भाई शिफाया मिनिस्ट्री में हैं, ये आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है कि आप किसी पर हाथ रखें और शिफा हो जाए, ये रूल कुछ ने आपको तौफीक दी है, पहली बात। दूसरी बात, इस शिफाया मिनिस्ट्री को खुदा की कुदरत के जाहिर करने का वसीला बनाएं, अपनी मशहूरी करने का वसीला ना बनाएं, खुदा की कुदरत जाहिर करने का वसीला बनाएं। यह मेरी अपील है उन लोगों से जो शिफाया मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो रूहुल कुद्स की इस नेमत से फैजयाब हो रहे हैं, कि आप अपनी पोजीशन ना बनाएं बल्कि खुदाबंद को सोर्स बताएं।
और इस मिनिस्ट्री से अपने आप को ना भरे बल्कि कलीसिया के ईमान को तकवीत दें। इस मिनिस्ट्री के वसीले से हम इसको सेल्फ सेंटर ना करें कि जी जब कोई शिफा आ जाता है तो आप चंदे लेना शुरू कर दें। बाज़कात मैंने देखा है लोग शिफा लेने के लिए आते हैं तो हम पहले चंदा मांग लेते हैं, जी वो पहले चंदा डाल दो। अरे भाई खुदा के पाक रू ने अगर आपको शिफा या मिनिस्ट्री दी है तो आपने कितने पैसे दिए हैं जो आप लोगों से मांग रहे हैं। इसलिए खुदा के इस कलाम को, इस नेमत को जो मुझे मिली है, हम्बल होकर, आजिज होकर, अपने लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए, खुदा के जलाल के लिए, कलीसिया की बढ़ोती के लिए और रूह कुछ की नेमत को एक्सरसाइज करना जरूरी है। आइए हम सब मिलकर इस नेमत के लिए दुआ करें और खुदावंद हमें ये नेमत दे और ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद के नाम की बढ़ोती के लिए और कलीसिया तरक्की के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन।